और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब नई उपलब्धियों का इतिहास रच रहा है। जब से सीएम मान ने पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य तरक्की के नए पथ पर अग्रसर है। वहीं अब सेहतमंद पंजाब के सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हुए मान सरकार ने पटियाला से पंजाब के 19 सरकारी जिला अस्पतालों की अपग्रेडेशन की शुरुआत की। इससे जहां सरकार की तरफ से सेहतमंद पंजाब बनाने की गारंटी की शुरुआत हुई, वहीं लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद भी दोगुनी हो गई है। सेहतमंद पंजाब का सपना हो रहा साकार। भगवंत मान जी, आपका बात बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हो रहा है अरेंजमेंट, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये अभी टाइम टाइम पे आके चेक करते हैं मरीज को। बिना किसी भेदभाव के मिल रही बेहतर सुविधा, गरीबों के लिए भी अमीरों के भी लिए एक जैसा इलाज चल रहा है। अस्पताल की बदली तस्वीर, बदला सिस्टम। केयर भी ज्यादा करते हैं जी, ते दवाइयां भी देते हैं सारी। नहीं तो पहला दिख के गोली लिख देते सी, बाजारों लेनी पड़ती सी। प्राइवेट की बजाय सरकारी अस्पताल पहुंच रही मरीज। प्राइवेट क्यों जाएंगे, जब सरकारी में इतनी केयर होगी तो प्राइवेट थोड़ी जाएंगे। मान सरकार के कार्यकाल में फर्क दिख रहा साफ। जमीन आसमान का फर्क है जी, पहले से साफ सफाई हर चीज जो सिस्टम वगैरह पहले से बहुत बढ़िया है जी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों से बेहतर शिक्षा, बड़ी संख्या में रोजगार और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया था। जो हर रोज प्रदेश से आ रही सकारात्मक खबरों के जरिए सरकार के उन्हीं वादों पर अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। पंजाब सरकार जहां अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 36,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम कर चुकी है, प्रदेश में स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात देकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। वहीं राज्य में 664 मोहल्ला क्लिनिक देकर अपने सेहतमंद पंजाब के मुहिम को पूरा करते अब ये सरकार नजर आ रही है। इस कड़ी में अब पंजाब सरकार की तरफ से 19 जिला अस्पतालों, 6 उपखंड अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत सीएम मान ने पटियाला के माता कौशल्या अस्पताल में एक इमरजेंसी और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया, जहां मरीजों को प्राइवेट अस्पताल से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इस बात की तस्दीक खुद अस्पताल में इलाज ले रहे मरीजों ने की है। किसी ने पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर बताया, तो किसी ने प्राइवेट से ज्यादा बेहतर सुविधा मिलने की बात कही। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पिछली सरकारें लगातार बोलती रही, जो ऑपोजिशन की हमने पहले तैयार किए थे अच्छे थे, और अब के जो मान सरकार ने तैयार किए उसमें जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है जी, पहले से साफ सफाई हर चीज जो सिस्टम वगैरह पहले से बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, तो डॉक्टर आ रहे टाइम से? असली सवाल तो है, डॉक्टर आ रहे? डॉक्टर आ रहे, बार बार आ रहे, डॉक्टर सिस्टर सारे आ रहे हैं जी। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क है जी। केयर भी ज्यादा करते हैं जी, तो दवाइयाँ भी देते हैं सारी। नहीं तो पहला दिख के गोली लिख देते सी, बाजारों लेनी पड़ती सी, मतलब हुण देते हैं सारा कुछ। दवाइयाँ टेस्ट फ्री हो गए हैं, बताया कि सरकार ने एक पहल की थी कि यहाँ पे जो आएंगे दवाइयाँ और टेस्ट फ्री हैं। मतलब फ़र्क दिखा आपको, मतलब बेड बुड नए आ गए? पहले होता था कि पेंट हो जाता था, अंदर सामान हो जाता था। हाँ, पुराना सामान से हूँ सारा सामान नवा हैगा जी, बेड बुड भी अच्छा हैगा, वधिया हैगा। कह सकते हैं अब पहले प्राइवेट भागना पड़ता, अब तो चाहे कि अपने सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे, प्राइवेट को भूल जाएंगे। प्राइवेट नहीं जाएंगे, प्राइवेट क्यों जाएंगे, जब सरकारी में इतनी केयर होगी तो प्राइवेट थोड़ी जाएंगे। नए बेड, केयरिंग स्टाफ, साफ और चमकते फर्श, बच्चों के लिए अस्पताल के अंदर खेलने की व्यवस्था, सभी अत्याधुनिक सहूलियतों से लैस ये अस्पताल पटियाला सहित उसके आसपास रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस अस्पताल में लगभग 300 बेड मौजूद हैं। इसके साथ ही इस फेमस हेल्थ सेंटर को 13.80 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है। इस अस्पताल में ICU, NICU और अन्य तरह की सुविधाएं भी दी गई है। लोगों की भलाई के लिए 550 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य मिशन पंजाब भी शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी खुद भगवंत मान ने उद्घाटन के वक्त दी थी।
उन्होंने पंजाब को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का वादा भी किया है। आज हस्पताल जेड़ा माता कौशल्या अस्पताल दे विच उद्घाटन करके आया, 550 करोड़ रुपया जारी करता। आने वाले दिनों जेड़े मोहल्ला क्लीनिक तो गाह वाला स्टैप है हुण, जे मोहल्ला क्लीनिक च आम आदमी क्लीनिक तुहाडा इलाज नहीं हुंदा, बीमारी बड़ी है, टेस्ट बड़े ने, तो उहदे वास्ते फिर गाह कित्थे भेजणे तुहानूं? असीं उहनां ते ध्यान देण लग गए हुण। PHC प्राइमरी हैल्थ सेंटर ते आ जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे हॉस्पिटल ने, ऐसे शानदार हस्पताल बनावांगे, मर्जी थोड़ी होगी। प्राइवेट च इलाज करवाउणा प्राइवेट च करा लिओ, सरकारी च करवाउणा सरकारी च करा लिओ। ना तो कोई डॉक्टर की काबिलियत च कमी होगी, ना कोई मशीन ऐसी होगी कि जी सरकारी च है नहीं प्राइवेट च हैगी, मर्जी थोड़ी होगी। इस तरह ही स्कूलों का, प्राइवेट च पढ़ाना हो प्राइवेट च पढ़ा लिओ, सरकारी च पढ़ाना हो सरकारी च पढ़ा लिओ, फर्क इन्ना हो उधर फीस है, इधर फीस भी नहीं हैगी। स्कूल भी शानदार ने, उतों भी निकल के बच्चे डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, वकील बनने। 1.5 साल के आले दुआले कोई वोटा नहीं है, असं कोई तुम्हें वोटा कह नहीं आए, अच्छा थोड़ू मिलन आए हैं, थोड़ू दसन आए हैं कि ऐ हो सकते ने काम, जे नीयत साफ होवे ते नीयत भरी होवे, नीयत भरी होवे खजाना खाली नहीं रहिंदा, नीयत खाली होवे खजाना हमेशा ही खाली रहिंदा। इतों पहले यही कही गए ने। माता कौशल्या जिला अस्पताल में नई इमरजेंसी और बाल चिकित्सा वार्ड के उद्घाटन के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में हो रहे लगातार सुधार की सराहना की थी, जिसके बाद पंजाब के अस्पतालों में हो रहे नवीनीकरण का भी जिक्र उन्होंने किया था। पंजाब की जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदेश में पहले ही दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें से अब तक 55,000 लोगों का इलाज किया जा चुका है। वहीं अब 550 करोड़ रुपए की लागत से अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों को अपग्रेड करने के फैसले से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिलने के साथ ही CM मान का सेहतमंद पंजाब का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।